Assalamualaikum guys, welcome to Bigness Lunchbox. आज आपके साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। गौर से देखिएगा, सिंपल रेसिपी है, गरम मसालों का खेल है। 2 टेबलस्पून के करीब आपने दालचीनी लेनी है, 2 टेबलस्पून जो है वो लौंगे हैं और 2 अदरक बड़ी दालचीनी है, 1 टेबलस्पून जो है वो छोटी इलायची है, 2 से 2.5 टेबलस्पून जो है वो काली मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 आपका जायफल है और 1 आपकी जावित्री है, तोड़ के हमने टोटे टोटे कर दिए हैं बस जनाब। और ये सारे मसाले लेके आपने क्या करना है, जादुई पोटली में डालना है। जी हाँ, वो जो मुग़ल बादशाहों के ज़माने में एक पोटली हुआ करती थी जिसको देखते के साथ ही लगता था कि इसके अंदर अशरफी सिक्के होंगे, लेकिन आज के दौर में इसके अंदर गर्म मसाले पाए जाते हैं जनाब। इनकी कीमतें भी ऐसे ही हो गई जो उस ज़माने में अशरफियों की हुआ करती थी। 1.5 किलो भर के हमने क्या किया है, चरबदार सीने का हड्डी वाला गोश्त लिया है। यखनी पुलाव में कुछ इसी टाइप का गोश्त चलता है और ये जादुई पोटली मैंने सेंटर में गाड़ दी है, काले जादू की पोटली लग रही है। अच्छा, ये 2 अदरक बड़ी प्याज या 3 अदरक दरमियानी प्याज के छिलके विलके उतार के उसको धो ढा के आपने ऐसे ही फेंक देना। बड़ी खुश हो जाइए लड़कियों, जिनको प्याज काटने में बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि जान जाती है, वो तो पूरी साबुत प्याज उठा के डालें और 2 टेबलस्पून नमक डाल दें। ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हालात के हिसाब से, जैसा आपके घर में चलता है, बस इतना ही सा काम है। और इसके अंदर 12 गिलास भर के पानी डाल दें। पानी की फरामानी है, गलाना है इसका पानी के अंदर। इसकी हमने यखनी निकालनी की है जनाब, ये यखनी पुलाव है तो यखनी तो निकालनी पड़ेगी, मजबूरी है। हम तंग आ गए हैं रिवायती किस्म की बिरयानी खा के। 5 से 6 या 5 के करीब बिरयानी की रेसिपी तो मैं खुद आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 1 पूरा लहसुन का जबा, जिसमें 8 से 10 लहसुन के जबे होते हैं, 1 पूरा लहसुन हमने छील के तो उसके अंदर दे मारा है, ठीक है। और ढक्कन को हमने बंद कर देना, गरम इसके अंदर डाल दिया है और अदरक इसको अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। 1 किलो यानी 6 कप के करीब हमने बासमती अलग क्वालिटी राइस लिया है, इसकी हमने नहाई नहाई करा दी, यानी ठंडे ठंडे पानी या दरमियाने पानी से इसको हमने धो धा के इसको फ्रेश करके इसको धो दिया है, छान दिया है और आधा घंटे तक हम इसको पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। डिपेंड करता है चावल की क्वालिटी आपकी क्या है। 1 से 1.5 घंटे में हमारा गोश्त जो है वो गल गया है, इसकी यखनी हमने उतार देनी है। ऐसी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्या बताएं, आहा, ठीक है जी। गोश्त की यखनी उठा के आपने फेंकनी नहीं है भाई, यही तो इसका सबसे बड़ा एसेट है, यानी सरमाया है। यखनी में चावल बनने हैं, बोटियाँ आपकी क्या प्यारी खुशबू आ रही है, जी चाह रहा है इसको ऐवे ही उठा के खा लें। ये हमारी जादुई देखती, जिसमें 1 कप जो है वो तेल हमने भर के डालना है। आप देख सकते हैं कप का साइज़ आप देख लें, ऐसा ना हो आप जो है वो कहवा वाला चाय जो है अरबी कहवे का कप का साइज़ से 1 कप डाल दें तो भाई वो मिनी बिरयानी बनेगी, 1 कप मॉर्निंग शो वाला तेल जाएगा। 2 प्याज की स्लाइस काट के इसके अंदर आप डाल लें। और ये जनाब ये देखिए, यहाँ हम कचरे में से बोटियाँ चुन लें जनाब, कचरे से मुराद लें लहसुन और प्याज जो हमने इसके अंदर डाली थी साबुत, उसके तो हमने देखा है उसका स्यापा हो गया, बिल्कुल छिल छाल के अलग हो गया, तो हमने बोटियाँ चुन के अलग कर ली। प्याज सुनहरी होते के साथ ही 1 टेबलस्पून हमने लौंग डाली है, दे मारी है, 1 टेबलस्पून के करीब हम काली मिर्चें भी दे मारेंगे। और देखिए जनाब, ये काली मिर्चें गई 1, 2, 3 और अब 10 से 12 छोटी इलायची के दाने हम इसके अंदर डालेंगे, दाने नहीं मतलब छोटी इलायची पूरी। देखिए, जो पहले हमने गरम मसाले डाले थे उसकी तो जादुई पोटली बनी है, उसका सारा अर्क उतला है और वो जनाब हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो वो आपके बच्चों के या आपके मियाओं के मुँह में नहीं आएगी। अब ये है वो गरम मसाला जो इसके अंदर जाएगा। गरम मसाले पे हाथ थोड़ा हल्का रखें जनाब, इसके अंदर और कोई मसाला तो जाता ही नहीं सिवाय गरम मसाले के, तो फिर भाई कंजूसी का है कि 8 से 10 हरी मिर्चें जितनी आप बर्दाश्त कर सकती दे मारें इसके अंदर और इसको फ्राई करते जाएं, इसे चलाते जाएं। और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, क्रिस्पी सुनहरी प्याज और 1 चम्मच हमने सफ़ेद जीरा दोबारा डाल दिए। पहले वाली जो पोटली थी वो तो हमारी फेंका जाएगी और देखिए ये इसको अच्छे से हम फ्राई करते जाएंगे। और अब इसके अंदर वो उबला हुआ जो बिल्कुल प्यारा सा साफ सुथरा जो हमारा गोश्त था जो अच्छे से गल चुका था, इसको हमने इसके अंदर डालना है और अच्छे से इसको फ्राई करना है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। जायका बिल्कुल ही मुनफरिद होगा, आप देखिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है यार। आए दिन जो है वो बिरयानी खा के थक गए हम। 4 से 5 बिरयानियों की रेसिपी तो मैं खुद आपके साथ पर्सनली मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें कराची बिरयानी हो या देगी बिरयानी हो या हल्दी वाली बिरयानी हो। अच्छा जी, ये आप देखें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 जगह लहसुन का पेस्ट मिलाडा बनाया था हमने और वो उसके अंदर हमने डाल दिया है, तो समझिए तकरीबन 2 से 2.5 इंच का अदरक ही इसके अंदर गया है उसी में, और बाकी तो पहले जब हमने उबाला था उसमें तो हमने अदरक डाला ही कोई नहीं, तो ये सारा इसके अंदर चला गया। इसको फ्राई करें,
ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी लगती है, खासतौर पे मतलब बिरयानी खा के आप थक जाए, आप गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है तो कभी कुछ डिफरेंट खाने को दी जाता है। ये क्या है यार, हर इतवार को फिर बिरयानी, हर इतवार को फिर बिरयानी। मैंने कहा जरा फ्लेवर चेंज करते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब आप कह सकते हैं भर के आपने काली पिसी हुई मिर्च का पाउडर डाल देना है और इसको जो है अब हमने भूनना है। देखिए कोई इसमें लाल मिर्च, कोई हल्दी, कोई धनिया, कोई गरम मसाला पाउडर कुछ नहीं किया, सारा खेल नमक का, गरम मसालों का और ये काली पिसी मिर्च का है। बाकी देखिए हरी मिर्चें वगैरह तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें। 1/2 किलो हमने दही इसके अंदर दे मारा है, 1/2 किलो दही हम इसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे, इसी में बस ये बनता है। ठीक है, तो बहुत ही हेल्दी और नॉरिशिंग सा होता है, कम मसालों वाला। घर में बुजुर्ग हजरात होते हैं अक्सर जिनको बिरयानी मतलब पसंद नहीं आती, मसाले वाला मना होता है, तो ये देखिए बिल्कुल कम मसाले में, कम तेल में बनने वाला ये है तकरीबन। ठीक है, 2 कप यानी 1/2 किलो के करीब हमने इसके अंदर दही डाल दी है। तो ये समझे कि हम कह सकते हैं कि कराची वालों की बिरयानी होती है और ये पंजाब की बिरयानी से, हम इसको यखनी पुलाव कहते हैं कराची में, लेकिन पंजाब वाले कभी कभी इसको बिरयानी कह देते हैं। तो खैर है, कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना फ्लेवर होता है। इसको हमने 1/2 घंटा ढक दिया था, उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का ये रोगन छोड़ा है इसने। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर कुछ ज़्यादा ही इसने रोगन छोड़ दिया, क्योंकि चरबदार गोश्त था, मुझे जो रोगन एक्स्ट्रा लगा तो मैंने क्या किया है ये 1/2 प्याले के करीब रोगन निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादा रोगन होगा तो आपका जो चावल है ना वो बिल्कुल चिपकू चिपकू हो जाएगा और बहुत ख़राब हो जाएगा। ये 1/2 घंटे भिगोए हुए चावल जो है वो बिल्कुल जो है फूल गए हैं, तो हमने इसके अंदर डाल दिया। और देखिए जनाब, आप हलीम नहीं पका रहे हैं, बहुत प्यार से बहुत इज्जत के साथ हल्का हल्का इसके अंदर घोटा, मतलब घोटा नहीं, आपने रोगन को और गोश्त को अच्छे से बराबर से मिक्स कर देना है। ठीक है, चावल टूटने ना पाए, थोड़ा सा हाथ हौला रखना है और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। और ये देखिए अब हमने कुछ नहीं करना, तकरीबन हमारी चीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत ही कहते हैं इसको खाओ तो हेल्दी हेल्दी सी फीलिंग आती है। अच्छा देखिए, बिरयानी में ये यखनी पुलाव में ये पुदीना के 4-5 पत्ते और हम हरा धनिया 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे, लेकिन इखलाकी तौर पर जो है ना ये बेमानती है, कानूनी और इखलाकी तौर पर जो है वो यखनी पुलाव में ये हरा मसाला डलता नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, कराची वाले हैं, हमें तो अपनी वाली बिरयानी की लत भी है, तो हमने यखनी बिरयानी को भी थोड़ा सा बीमारी कर दिया है, बर्दाश्त कर ले। खैर है, अब इसके अंदर बेसिकली इखलाकी तौर पे जब आपके पास 6 कप चावल होता है किसी भी बिरयानी में, किसी भी पुलाव में, तो 6 कप पानी आप इसमें डालते हैं, डिपेंड करता है आपकी चावल की क्वालिटी क्या है। ठीक है, हमने 1/2 घंटा चावलों को भिगोया हुआ था, तो हमें पता है कि 6 कप यखनी के अंदर ये हमारा चावल इंशाल्लाह डल हो जाएगा। जब मैंने आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर की थी उस वक्त भी मैंने इतना ही इक्वल रेशियो लिया था, जितना चावल उतना पानी, क्योंकि 1/2 घंटे हमने चावलों को उस वक्त भी भिगोया था। ओ ये देखिए, हमारा 6 कप जो है वो यखनी पूरा नहीं हो पाया, अब क्या करें, तो हम थोड़ी सी बेमानती कर सकते हैं, क्योंकि पानी हमने पूरा करना है 6 कप का, 6 कप तो हमने क्या किया, जितना पानी शॉर्ट हुआ तो उतना पानी ऐड कर दिया, चावलों को क्या पता चलना जी हमने कितनी बेमानी की है। तो वो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखिए खाने मतलब इस वक्त हमने इस स्टेज पे हम चेक करेंगे पानी में नमक कितना है, अपना अपना फ्लेवर है, जितना पसंद करते हैं। हमें लगा थोड़ा सा कम पड़ गया तो हमने 1 से 1.5 चम्मच और ऐड कर दिया। अब अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, गोश्त हमारा वैसे ही 80% 90% डन हुआ हुआ था और चावल जो है वो अब इसके गलने हैं इसी यखनी के अंदर। क्या ज़बरदस्त चावलों में फ्लेवर आता है, अभी यखनी की खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। और ये देखिए हमने इसको ढक देना है, 10 से 15 मिनट जो है वो मीडियम आंच पे हम पकने देंगे। और अईता क्या ज़बरदस्त चावल आया, ये देखिए 15 मिनट के बाद ये अईता हुआ है, खुल जाए समसम, चावल हमारे परफेक्टली डल हुए हैं। आपने देखा का मतलब मेरा जादू, बेस भी बिल्कुल कोई चीज़ जली नहीं है, चावल बिल्कुल फरहरे उतरे हैं, ये है मेरा जादू। यानी चावलों को 1/2 घंटा भिगोने के बाद इक्वल रेशियो में पानी डालें, लेकिन जनाब थोड़ा सा दम की ज़रूरत है। अच्छा, दम के लिए मैं एक बार बता दूं कि आपके घर में बाबा आदम का या अम्मा के जहेज का पुराना तवा ज़रूर पड़ा होता है, जिसको हम पीछे सहन में फेंक देते हैं, वो तवा कभी ना फेंके। बिरयानी हो, मटर पुलाव हो, खिचड़ा हो, कोई भी ऐसा सालन हो जो ऐसे दम पे पकता है, उसके नीचे वो तवा लगा दें। और ये देखिए, ये अखलाकी तौर पर मैंने बिरयानी एसेंस डाला है, यखनी पुलाव में बिरयानी एसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर वही बीमारी की आदत है, क्या कर सकते हैं, कराची की बिरयानी की लत लगी तो थोड़ी बहुत बीमारी चलती है जनाब। 10 मिनट के बाद ये दम हो गया, चावल मेरे जबरदस्त सेट हो चुके हैं, फुल दम हो चुका है, फुल ऑन है सीन, और ना वो तवे की वजह से नीचे से जलेगा भी नहीं और ऊपर से भी बहुत बेहतरीन दम आने वाला है। स्प्राइट की बोतलें मंगवा लें,
या कोको कोला की। देखिए इश्तहार के पैसे तो मुझे ना कोक वाले दे रहे हैं ना स्प्राइट वाले दे रहे हैं, भाई जो दिल चाहे आप खाएं। इसके साथ हल्का हल्का सा बिल्कुल लाइट आप इसका फ्लेवर है, इंजॉय करिए। साथ में हमने रायता भी बना के रखा है, सलाद भी बना के रखा है, लेकिन आपके लिए नहीं अपने लिए बना के रखा है। आप खुद बनाएं और खुद सलाद रायता का इंतजाम करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।